आज का सबसे बड़ा क्रूज शिप, लार्जेस्ट क्रूज शिप ऑफ टुडे। हेलो दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप भी जानना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस समय के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने कई जहाजों के बारे में सुना होगा। दुनिया में कई विशाल और शानदार क्रूज शिप मौजूद हैं, जो सभी सुख और सुविधाओं से युक्त हैं। इन सब के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। आपको बता दें कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है सिम्फनी ऑफ द सीज, जिसे बनने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा है। इस जहाज को मैमथ वेसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी साधारण जहाजों के सामने एक मैमथ की तरह है। अब चलिए जानते हैं इसके निर्माण और सुविधाओं के बारे में, जो काफी रोचक है। आपको बता दें, इस विशाल क्रूज शिप की डिलीवरी रॉयल कैरेबियन ने ली थी। सिम्फनी ऑफ द सीज एक ओएसिस क्लास क्रूज शिप है, जो पूरी तरह रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सिम्फनी ऑफ द सीज ग्रॉस टनेज के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जो वे उसी के साथ ही हार्मनी ऑफ द सीज को पीछे करके बना है। सिम्फनी ऑफ द सीज का निर्माण शैंटियर्स डे अटलांटिक नामक शिपयार्ड पर हुआ था। अगर आपने भी इसकी विशालता और प्रसिद्धि को देखकर इस पर यात्रा करने का सोच लिया है, तो आपको बता दें कि आप इस समय ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 नामक महामारी के चलते रॉयल कैरेबियन ने 11 मई 2020 तक सिम्फनी ऑफ द सीज की सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जहाज के आकर्षक डिजाइन के बारे में, जो आपको और भी प्रभावित करेगी। आपको बता दें कि यह जहाज 361 मीटर लंबा है, जो कि मशहूर जहाज टाइटैनिक से भी 92 मीटर ज्यादा है। अगर ग्रॉस टनेज की बात की जाए, तो सिम्फनी ऑफ द सीज का ग्रॉस टनेज लगभग 2,28,000 जीटी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो यात्रियों की रखने की क्षमता। तो आपको बता दें कि सिम्फनी ऑफ द सीज में 5,518 यात्रियों को कैरी करने की क्षमता है, जो कि अधिकतम 6,680 यात्रियों तक पहुंच जाती है। सिम्फनी ऑफ द सीज की पानी में गहराई 30 फीट तक है। इस जहाज में 24 गेस्ट एलिवेटर्स मौजूद हैं, और इस जहाज की रफ्तार 22 नॉट्स है, जो कि लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बराबर है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज को बनाने के लिए 4,700 लोगों को नौकरी दी गई थी। यहां मेहमानों के लिए 16 डेक्स, 22 रेस्टोरेंट्स, 4 पूल्स और 2,759 केबिन्स मौजूद हैं, जो यात्रियों के लिए हर एक जरूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इन सब से आप इसकी बेहतरीन सुविधाओं का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इसमें आपको सिर्फ कुछ ऐसी साधारण सुविधाएं देखने मिलेंगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए वाटर पार्क, एक फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट और यहां तक आइस स्केटिंग रिंक और 2 13 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें हैं, जो खासकर रॉक क्लाइंबिंग का शौक रखने वालों के लिए बनाई गई हैं। और तो और, इसमें सेंट्रल पार्क भी मौजूद है, जिसमें लगभग 20,000 ट्रॉपिकल पौधे मौजूद हैं। इन सब आंकड़ों ने अगर आपको अभी तक हैरान नहीं किया, तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन और कैरियर के बारे में भी जान लेते हैं। 29 अक्टूबर 2015 को सिम्फनी ऑफ द सीज का पहला निचला हिस्सा शैंटिलियर्स दे अटलांटिक द्वारा तैयार किया गया था। इसे 9 जून 2017 को फ्लोट आउट करना शुरू कर दिया था। एलेक्स अवीगा, कार्लोस पीना जूनियर और उनके बेटे ओशियन को इस जहाज की गॉड फैमिली के रूप में चुना गया। आपको बता दें, इन्हें शिप स्पॉन्सर के रूप में चुना गया था। 15 से 18 फरवरी के बीच इस जहाज का पानी के नीचे परीक्षण किया गया। 23 मार्च 2018 को सिम्फनी ऑफ द सीज जहाज को रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल को सौंप दिया गया। 24 मार्च को जहाज मलागा के लिए सेंट नजायर से छूटा और रॉब हेम्स्टेड के दिशा निर्देशों से 27 मार्च को अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जहाज अपने पहले होम पोर्ट स्पेन के बार्सिलोना में 29 मार्च को पहुंच गया। 31 मार्च 2018 को सिम्फनी ऑफ द सीज ने अपना पहला पैसेंजर क्रूज ऑफर किया और 7 अप्रैल को मेडिटेरेनियन समुद्र में अपनी एक हफ्ते लंबी पहली यात्रा शुरू की। अब चलिए जान लेते हैं उन तथ्यों के बारे में, जो ये साबित करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। अगर यात्रियों को रखने की क्षमता, क्रू कैपेसिटी और ग्रॉस टनेज के आधार पर देखें, तो तीनों ही स्थितियों में सिम्फनी ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। आपको बता दें कि इसकी लंबाई इतनी अधिक है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ये केवल 65 मीटर कम है। साथ ही ये 215 फीट चौड़ा भी है। इसके साथ सिम्फनी समुद्री जहाज पर सबसे ऊंची स्लाइड का होस्ट भी है, जो कि 10 मंजिला है और 100 मीटर ड्रॉप के साथ है। अपने पहले सीजन के दौरान सिम्फनी ऑफ द सीज लगातार पश्चिमी मेडिटेरेनियन की 7 रातों की यात्राओं पर जाता रहा। 28 अक्टूबर को यह दोबारा अपने होम पोर्ट फ्लोरिडा में पोर्ट ऑफ मायामी पर खड़ा हो गया।
9 नवंबर को जहाज मायामी में रॉयल कैरेबियन टर्मिनल पर पहुंच गया। अब ऐसे बेहतरीन और बड़े क्रूज शिप को बनाने के लिए काफी खर्चा भी आया होगा, तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इसे बनाने में आखिर कितना खर्चा आया और आखिर इस विशाल जहाज की कीमत क्या है। तो आपके सवाल का जवाब है $1.35 बिलियन, जो कि लगभग 10,300 करोड़ रुपए के बराबर है। अब ये जहाज इतना महंगा और शानदार क्यों है, आप इस कीमत से समझ ही सकते हैं। अब तक हमने आपको जहाज की ऊपरी जानकारियां दी, लेकिन हम आपको इसके केबिन की जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें, सिम्फनी में फैमिली स्वीट मौजूद है, जिसमें स्लाइड, फैमिली रूम, बेडरूम, मोबाइल चेक इन सेवाएं और फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस जैसे कमाल के फीचर्स मौजूद हैं। जहाज में 1,346 स्क्वायर फीट का फैमिली स्वीट मौजूद है, जिसमें 2 बेडरूम्स मौजूद हैं, जहां 8 लोगों के सोने की जगह है। साथ ही साथ इसमें कई गजब की फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे 3D सिनेमा रूम, जिसमें पॉपकॉर्न मशीन और वीडियो गेम्स की लाइब्रेरी मौजूद है। 212 स्क्वायर फीट के वर्लपूल, लीगो वॉल के साथ एयर हॉकी टेबल भी मौजूद है। इस जहाज के फीचर्स को बताने के लिए यह वीडियो काफी नहीं है। सिम्फनी ऑफ द सीज में शुगर बीच, 30 बड़े टेलीविजन और स्पोर्ट्स बार मौजूद है। इस जहाज में एक और खास बात है, वूम टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा समुद्र में भी यात्री तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसमें बायनिक बार भी मौजूद है, जिसमें ड्रिंक्स को रोबोट द्वारा सर्व किया जाता है। बच्चों के लिए यहाँ बैटल फॉर प्लैनेट जी और कैरेबियन फर्स्ट ग्लो इन डार्क लेजर टैग गेम जैसे खेल मौजूद हैं। यहाँ सबमरीन रूम और कलेक्शन ऑफ पजल्स मौजूद है। अब इतनी सुविधाओं ने आपको इसकी ओर आकर्षित जरूर कर दिया होगा, और इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी यात्रा की कीमत कितनी होगी। सिम्फनी ऑफ द सीज की पश्चिमी मेडिटेरेनियन की 7 रातों की यात्रा की प्रति व्यक्ति के लिए कीमत लगभग 1,11,000 रुपए है। तो ये थी दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे बेहतरीन क्रूज शिप की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके पास वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमसे कमेंट्स में शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर भी करें। धन्यवाद।